नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे IBPS RRB PO, राइट। जो लास्ट पिछले 3 सालों में जो सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट IBPS RRB PO की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, क्वांट की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आपको मिलेगी। ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स। एंड अच्छा लगे आपको तो लाइक बटन पर प्रेस करिएगा। कुछ भी चीज़ें आपको सीखने को मिले तो लाइक बटन भी और शेयर बटन पे भी जरूर क्लिक करिएगा। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक चीज़ और शेयर कर देता हूँ। पिछले 3 सालों के जो भी क्वेश्चंस RRB क्लर्क में पूछे गए थे उनके वीडियोज में बना चुका हूँ। अगर आप तैयारी करते हो तो वीडियोज को जाके जरूर देख लीजिएगा। ओके, ये आज अपन केवल 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लेवल देख लीजिए एक बार, आगे भी मैं वीडियो इसके ऊपर लाता रहूंगा। एक बार जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके ऊपर अपन बात करते हैं, लेवल चेक करिए। बाकी मैं फिर आपको अपने क्वेश्चंस दूंगा बहुत अच्छे लेवल वाले। ओके, पहले लेवल चेक कर लीजिए सिंप्लीफिकेशंस के, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे, राइट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक्स स्क्वायर प्लस 190.98 माइनस का 19.01 इंटू 6.97 इजिकल टू 316.99 इंटू 1.99। बहुत ही इजी है, विदाउट पेन एंड पेपर्स का क्वेश्चन है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये केवल लेवल चेक करवाने के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया है, ये क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। बाकी इस टाइप के लेवल से क्वेश्चंस रहना बिल्कुल नहीं है, राइट। हो सकता है आपको इसी टाइप से क्वेश्चंस मिले, आपने SBA क्लर्क का एग्जाम्स दिया होगा तो वहाँ पर डिफरेंट लेवल के सिंप्लीफिकेशंस अप्रोक्सीमेशंस देखने को मिले थे, राइट। अपन उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी मैं पहले यह वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप एक बार लेवल चेक कर सकें किस लेवल पे है। ओके, तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट पहले मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व होगा, राइट। 19 × 7, राइट, 19 × 7 करना है अपने को। इसको तो देखिए 19 × 7 लिख सकते हैं, 19 × 7। इसको 317 × 2 मेंशन कर सकते हैं। ये आपका 190 का 190 रहेगा, 191 हो जाएगा क्योंकि 190.98 है तो 191 हो जाएगा। ओके, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 19 × 7 कितना होता है, 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 114, 19 × 7 = 1133, राइट, इजिकल टू 317 का डबल 300 का डबल 417 का डबल 634। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस का 191 माइनस का 120 133 इजिकल टू 634। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी देख लीजिए। 133 में से 191 निकल गए, कितने बचे आपके पास। अगर मान लीजिए यहाँ पर 9161 होता तो अपने पास कितना बचे, 9131 होता तो कितना बचेगा, दैट इज द 60 ओनली। यहाँ पर 3 ज्यादा है तो 3 कम कर दीजिए, 57, राइट, 57 इज इक्वल टू 58, राइट, 58 2 है ना, 58, 91 है और यहाँ पर 133 तो 58, यहाँ पर बचा 634। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 634
माइनस का 58, राइट, माइनस का 58, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 34 में से 58 अपन को लेस करना है, तो बचेगा कितना, 14 माइनस 8 गया 6 बचेगा, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या जिनके पीछे 6 आपकी आए, जिसका स्क्वायर करने पर 6 आए। देखिए 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आता है, जो इसके इर्द गिर्द भी नहीं बचेगा, तो डेफिनेटली यह भी नहीं होगा, यह तो होगा ही नहीं, यह भी नहीं होगा। 24 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास 576 आता है, तो डेफिनेटली आंसर विल बिकम 226, 24 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पूरा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, ऑप्शंस का इस्तेमाल करिए, फिर आप आंसर्स दे सकते हैं। ओके, यही सबसे बेस्ट वे होता है आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस को अटेंड करने का, राइट। बहुत से स्टूडेंट्स को पूरा कैलकुलेट करेंगे फिर आपके आंसर देंगे, ऑप्शंस का इस्तेमाल करिए। कैसे ऑप्शंस का इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट आंसर आता है, राइट। तो इसका आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप सो गाइस आपके समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करते हैं, देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन से। देखिए कोई क्वेश्चंस में अगर डाउट होना तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 768 अपॉन 12 है यहाँ पर, एंड इनटू 256 आपकी स्क्वायर रूट में, माइनस का 58 है। तो माई डियर स्टूडेंट 768 अपॉन 12 है, तो पहले तो इसको निकाल लीजिए, 768 अपॉन में 12 तो कितने टाइम्स गया, 6 टाइम्स 4 टाइम, 12 6 जा 72, 12 5 जा 48, 72 गया तो 4 कैरी, 4 8 हो गया तो 4 टाइम्स आपके निकल गया। ओके, इनटू यहां पर कितना बचा, 16, यहां पर आपकी 16 बचा, माइनस का 58, तो 16 से इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 16 से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो देखिए एक पैटर्न यह भी है, राइट। पहले 60 इंटू, इसको आप 60 इंटू 4 लिखिए, 60 माइनस 60 प्लस 4 लिखिए, सॉरी, इसको आप 60 प्लस 4, राइट। कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी, 16 इंटू 6 दैट इज द 16, 60 इंटू 16 करिए तो कितना आएगा, 96, एंड जीरो का मेंशन कर दिया, प्लस का 4 है तो प्लस का 4, 16 4 64, माइनस का 58। अब देखिए कैलकुलेशंस करने में कितनी आसानी है, 58 यहाँ पर माइनस का, 64 यहाँ पर प्लस का, 2 प्लस 4 आपके बचा 6, 96 में से 960 में से 6 ऐड कर दीजिए तो अपने पास आंसर आएगा 966 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके, प्रत्येक क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन थोड़ी सी है, राइट। 966 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। 34.02% ऑफ 550 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 297.07 डिवाइडेड बाई 728 माइनस 95। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, तीन चीज़ें मैथ में अगर आपकी कवर है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 to 30 तक आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, सेकंड है 1 to 50 तक आपको स्क्वायर अच्छे से बिल्कुल कंठस्थ, 39 का स्क्वायर मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, 29 का स्क्वायर मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, 43 का स्क्वायर मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, इस टाइप से डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। 1 to 20 तक क्यूब, ओनली फॉर 20 की बात कर रहा हूँ, ये क्यूब इतने सारे आपको याद होने चाहिए। फ्रैक्शंस की वैल्यू भी बहुत अच्छे से आपको अच्छे से कवर होनी चाहिए। ये चार चीज़ें मैथ की आपकी जड़ है, इनको पकड़ के चलिए, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छे लेवल पे आपको प्रैक्टिस करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इन चीज़ों को नोट अच्छे से कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके, बाकी ओवरऑल क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखिएगा 34% ऑफ 550 निकालना है, तो क्लियरली निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं मैंने बता रखा है। 34 है, इसको करिए हाफ,
17% ऑफ 550 है, इसको डबल करिए, इसको डबल करने से आता है 1100। क्वेश्चंस इजी, 17 से 11 को मल्टीप्लिकेशन करने का सबसे बेस्ट वे 7, 7 + 1 = 8, 1 का 1, राइट। तो आपकी 34% ऑफ 550 आप कैलकुलेशन जो कैलकुलेटर यूज करके निकाल लीजिए, 187 ही आएगा, राइट। ये ट्रिक होती है, डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 297, 297 अपॉन रूट में आपके 70, इसको अपन 729 भी कर सकते हैं, राइट। 729 ये किसका स्क्वायर होता है, ये आपके होता है 27 का स्क्वायर। तो 27 से कितने टाइम्स गया, 1 टाइम्स, राइट, 1 टाइम्स 2 कैरी, तो 1 टाइम्स 11 हो गया। 11 से अगेन मल्टीप्लिकेशन से अगर अपन यहाँ पर नहीं करते तो सीधा और डायरेक्ट आंसर दे सकते थे 17, राइट। 17 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा कि हाँ सर हमको अच्छा लगा है, ओके। कोई चीज़ में डाउट हो, क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिएगा, सर हमको नहीं समझ में आया है अभी तक। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आप ट्राई करिए, तब तक मैं पानी भी लगाऊँ। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, x डिवाइडेड बाई 10, इसको 10 लिख सकते हैं, इंटू 12 यहाँ पर इज इक्वल टू। देखिए स्पीड में आप कर अगर सॉल्व कर पाते हैं तो ही आप सिलेक्शंस और आपके अच्छे अटेम्प्ट होते हैं, याद रखिएगा स्पीड में आपको सॉल्व करना है। 20% ऑफ 1320, इसका 20%, 1% 10% होता है 132, 20% इसका डबल, 100 का डबल 232 का डबल 64, तो 264 आपकी ये बच गया, ओके। अब कैलकुलेशंस करने कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, राइट। 12 से इसको 6 टाइम्स, इसको 5 टाइम्स, फिर कैलकुलेशंस करने डायरेक्ट, देखिए ये होता है सबसे बेस्ट तरीका। 2 टाइम्स बच गया कितना, 24, अगेन 2 टाइम्स आपके 22, तो x की वैल्यू कितनी आई, 10 इधर अपॉन में है तो इधर आगे इनटू में होगा, तो 22 इनटू 10 इज इक्वल टू आंसर्स विल बी कम, दैट इज द 220, ओके 220। एक सेकंड मैं दोबारा देख लेता हूँ, 12 20% ऑफ दिस, 132 का 20% कितना होगा, 100 का डबल 232 का डबल 64, बिल्कुल सही है। 12 से 2 टाइम्स 24, 2 बच गया 24 अगेन, तो 22 बिल्कुल सही है, इट मीन्स 22 इंटू 10 इज इक्वल टू 220, तो यहाँ पर 220 होगा, नॉट 120, राइट। आंसर्स आएगा 220, सी ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर। ये मेरी गलती है, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चंस आपको समझ में आया है तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस करते चलिएगा, ओके। यहाँ सर हमको समझ में आया है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। और अपन मेरे वीडियोज मेरे चैनल्स पे इसी प्रकार, यानी कि एक इससे अप लेवल के, इससे थोड़े से अप लेवल के क्वेश्चंस मैं डालूंगा, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे अपन IBPS RRB PO लेवल की। ये तो एक आपको डेमो दिखाने के लिए है, मैं लास्ट ईयर के मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, सिंप्लीफिकेशंस के, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, राइट। पहले आप खुद से प्रैक्टिस कर देख लीजिए किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट, फिर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिस करेंगे, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस है, ये आप खुद से ट्राई करिएगा, एक्स परसेंटेज ऑफ 180 आपकी स्क्वायर में 24, राइट। ये याद रखिएगा एक्स स्क्वायर एक्स परसेंटेज ऑफ 180 यहाँ पर इज इक्वल टू है, ये पूरा का पूरा आपके स्क्वायर पूरा का पूरा रूट के अंदर है, यानी कि इसको आप सॉल्व करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसका आपको रूट निकालना है, याद रखिएगा ये पूरा रूट के अंदर कन्वर्ट है, ओके। तो प्लीज़ इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं ज़रूर आंसर दूंगा, आप खुद से ट्राई कर रहे हैं पहले क्या आपके आंसर्स आता है, ओके।
ये 5 क्वेश्चंस थे जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको अगर लगता है कि आपको आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा। ओके, शेयर कर दीजिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को, मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी बहुत ज़रूरी है, कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।